आओ देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, फॉर्म असेसमेंट। 15 मार्क्स एकदम कवर करेगा, ध्यान रखना एक बार, 15 मार्क्स एकदम कवर करेगा, और पूरा का पूरा एक क्लास में कवर करेंगे। फॉर्म असेसमेंट में कुछ भी दम नहीं है। अपना अपने को पता है सिलेबस में 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का बताओ, 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो दो, तो उसमें दो चैप्टर डाला गया है। कितने चैप्टर बताया गया बताओ, दो चैप्टर, एक टोटल इनकम और एक फॉर्म असेसमेंट, दोनों प्रैक्टिकल है। बट ये खासियत ये है कि दोनों में और आता है। इसको पढ़ने का मतलब है कि अपना पूरा 4 सेमेस्टर को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। वही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सब पांचों हेड्स डिडक्शन के साथ यदि पढ़ोगे तभी एक चैप्टर बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम तो यही सजेशन देंगे कि इसको छोड़ दो। पढ़ना क्या चाहिए अपने को, फॉर्म असेसमेंट। फॉर्म असेसमेंट में एक छोटा सा टॉपिक है, बस एक टॉपिक पढ़ने से काम खत्म हो जाएगा। सर ये टॉपिक क्या है समझते वाले। देखना, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो, फॉर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फॉर्म। क्लास 11 का वो बचपन का दिन जो हम लोग पढ़े थे कि हम लोगों का बहुत सारा जो भी बिजनेस होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो अकेला बिजनेस करता है, एक होता है कंपनी, और एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अकेला बिजनेस कर रहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कंपनी का मतलब सबको पता है, और एक होता है क्या, पार्टनरशिप फॉर्म। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्म असेसमेंट, मतलब पार्टनरशिप कैसे टैक्स भरता है, पार्टनरशिप का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल सेक्शन 4th सेमेस्टर में जो भी हम लोग पढ़े थे सारा का सारा इंडिविजुअल था, ये भी तुम्हारा 4th सेमेस्टर में पढ़े हुए थे कंपनी के बारे में। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, कि फॉर्म का असेसमेंट कैसे किया जाता है। असेसमेंट का हिंदी क्या होता है पता है क्या किसी को, असेसमेंट का मतलब, असेसमेंट का मतलब होता है छानबीन करना। क्या करना बताओ, गवर्नमेंट इनकम टैक्स में कभी भी उसको छानबीन नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता बताओ उसको, सॉरी उसको ये नहीं बोलता कि टैक्स पेमेंट करो, उसको बोलता है कि हम तुम्हारा असेसमेंट कर देंगे, हम तुम्हारा छानबीन कर देंगे, तुम्हारा अकाउंट्स का छानबीन कर देंगे। अब देखो एक बार, छानबीन यहाँ पे वर्ड कहाँ से आएगा पहले तुमको ये बताते हैं। ये मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है, इसका पीएल अकाउंट है, क्या क्या है बताओ, ये पीएल अकाउंट। तुमको पता है यहाँ पे इनकम लिखा जाता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। ठीक है, इनकम मान लो तुम्हारा है किसी इस पार्टनरशिप फॉर्म का सेल है, सेल मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, चलो 1 मिनट, गरीब नहीं है, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का क्या है, सेल है, 10 लाख रुपए का सेल है। ठीक है सर, हुआ क्या, एक्सपेंसेस के नाम पे बस इसका 2 लाख रुपए का एक्सपेंसेस है, तो सर नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए। उसके पहले तुमको एक डिटेल दे दे कि पार्टनरशिप फॉर्म 30% टैक्स देता है, जितना भी उसका इनकम कितना परसेंट टैक्स देगा। एवं इमेजिन करो 8 लाख का 30% कितना होगा, 2 लाख 40 हजार रुपया। हम दिखाएंगे पहले, खाली फोकस करो, पर ये 30% भी लिखाएंगे, रुक जा। हम क्या बोले, नेट प्रॉफिट कितना है बताओ उसका, 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट यदि उसको टैक्स निकाले तो 2 लाख 40 होता है, और प्लस 4% का और टैक्स लग जाता है, उसको सेस बोलते हैं। ये करीबन करीबन तुम्हारा वो 2 लाख 52 के करीब मिल जाएगा, 2 लाख 50 के करीब हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। सोचे एक बार, कोई बंदा 8 लाख रुपए कमा रहा है, 2.5 लाख रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए टैक्स भरेगा, किसको अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। तो सर क्या करा जाए, तो सपोज वो मेरे पास आया, बोला कि सर बताइए सर ऐसा क्या करे कि मेरा टैक्स बच जाए। हम रिचल अब बताते हैं तुमको, इसको एक तरकीब बता रहे। हम बोले देख, इस 8 लाख रुपए को, इस इनकम, ये तुम्हारा जो टैक्स लगा ना वो किसके कारण लगा, ये 8 लाख रुपए के कारण लगा, राइट। ये क्या ऐसा करे ताकि मेरा ये 8 लाख रुपया कम हो जाए, तो इसका दो ही काम कर सकते हैं, या तो इनकम को कम कर दे या तो फिर खर्चा को बढ़ा दे। तो हम खर्चा को बढ़ाने के लिए इसको बोल रहे, देख के बाद तुम इसके डेबिट साइड में खर्चा बढ़ाने का कोशिश करो। तो उस पर भी डर है इसको, डर किस बात का है सर, लैपटॉप बाहर है क्या, डर इस बात का है कि सर फेक एक्सपेंडिचर लिखता है असेसमेंट में पकड़ा गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो लिख दिया सैलरी, क्या लिख दिया बताओ, सैलरी, और लिख दिया 5 लाख रुपया। तो कभी ना कभी असेसमेंट में पकड़ा ही सकता है कि 5 लाख रुपया किसको दिया, लेके आओ उस बंदे को, तो भाई पकड़ा जाएंगे ना हम। तो फिर इसको तरकीब बताया कि देख एक काम करना, सुन, हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर में पढ़े थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में, हम लोग ये पढ़े थे कि हम लोग पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट का तो हिस्सा खाएंगे ही, साथ ही साथ हमारा सैलरी सैलरी भी हम कमा सकते हैं, क्योंकि यदि पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो। कहने का मतलब ये है, हम लोग 3 जन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, हम डेली दुकान खोलते हैं, दुकान पे सारा का सारा काम हम करते हैं,
हाँ, तो एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करें बिजनेस में, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। हम एक्टिव यदि पार्टिसिपेट करें इस बिजनेस के अंदर में, तो एक्टिवली मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए प्रॉफिट के अलावा। तुम लोग आराम से, रात को आता है शाम को हिसाब देख के चल जाता है तीन पार्टनर में, और हम दिन भर उसी दुकान में बैठ के बिजनेस करते हैं। तो प्रॉफिट का हिस्सा यदि इक्वल बटेगा तो सोचो एक बार, हमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब सर हमको प्रॉफिट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, वो एक्स्ट्रा बोलते हैं सैलरी। यदि हम ये 8 घंटा जो दुकान में खोल के बैठे थे, यदि हम किसी और जगह पे काम करते तो सैलरी मिलता और प्रॉफिट तो मिलता ही। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स को कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए प्रॉफिट से। तो हम उसको बोले सुनना एक काम कर, तुम यहाँ पे लिख दे सैलरी टू द पार्टनर। अब तो असेसमेंट में भी पकड़ाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अरे हम ही तो है, हमको सैलरी मिला है। ठीक है, हम लिख दिए यहाँ पे 3 लाख रुपया। सर और बताइए सर, अभी भी तो टैक्स लग सकता है क्योंकि 5 लाख का अभी भी इनकम है। सर और क्या करें? तो और हम उसको बताएं एक काम कर। एक और चीज पढ़े थे कि कोई बंदा यदि किसी पार्टनरशिप फॉर्म में लोन दिया रहता है, फिर कैपिटल ज्यादा लगाया रहता है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। मिलता है, लिख देना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख रुपये। अब इनकम कितना हुआ बताओ, नेट प्रॉफिट कितना है? 5 × 7 3 लाख रुपए। और 3 लाख पे क्या ही टैक्स लगेगा, खत्म। क्या टैक्स हम लोग बचा लिए? ठीक है। और यदि इसको इसको एकदम पूरा का पूरा ओपन गवर्नमेंट छोड़ देता, इसको नजर नहीं रखता, पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, जो तुम्हारा खर्चा है वो लिख दो, तो ये लोग खुला सांड समझ लेता अपने आप को। क्या करता है लोग बताया? ये करता है ये लोग ऐसे, यहाँ पे ले देता 9 लाख रुपया, लॉस दिखाता। अरे हमसे आप टैक्स मांगेगा, आप मेरे को टैक्स दे, नेट लॉस आ रहा है। ठीक है, पब्लिक लोग ऐसा करता, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया। गवर्नमेंट बोला कि मेन घपलाबाजी इस दो चीज में हो सकता है, सैलरी टू दी पार्टनर, एकदम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, अंधाधुंध कुछ भी छाप दो, छाप सकता है वो लोग। यदि कोई स्टाफ को सैलरी देगा तो मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे पूछ लेंगे या फिर उसके बैंक अकाउंट में चेक करेंगे। हम उसको बोलेंगे कि सपोज हम आकाश को सैलरी दिए, तो आकाश का बैंक अकाउंट चेक करेगा, गवर्नमेंट चेक कर लेगा कि भाई देख ले इसका सैलरी हर महीने इतना इतना अमाउंट आया जितना ये दिखा रहा है। बट हम अपने आप को जब सैलरी दे रहे हैं तो उसमें कोई धंधलीबाजी हो ही सकता है, क्योंकि बैंक में ट्रांसफर कर नहीं रहे। हम बोलेंगे भाई हम अपने आपको सैलरी बैंक में क्यों दे, कैश से कैश में काम कर लिए, कर सकते हैं, समझ में आ रहा बात? तो मेन धांधलीबाजी यही यही दो चीज में, कौन सी चीज में बताओ? सैलरी टू द पार्टनर और इंटरेस्ट टू द पार्टनर। तो इसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया। क्या बनाया गया बताओ? एक अलग से सेक्शन बनाया गया और बोला गया कि भैया देखिए, यदि बात आएगा आपका सैलरी टू द पार्टनर और इंटरेस्ट टू द पार्टनर, तो आपको ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए, बोल रहा है भैया आप एक काम कीजिए, नेट प्रॉफिट जो अमाउंट आएगा इसमें से पहले 40B का डिडक्शन लीजिए, 40B का डिडक्शन लीजिए। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिडक्शन। सर 40B का मतलब क्या है? 40B सेक्शन का नंबर है, सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है। यहाँ पे 40B में कुछ प्रावधान दिया गया है जिसको आपको फॉलो करते हुए ये दो खर्चे को एडजस्ट करना होगा। ठीक है सर, ये एडजस्टमेंट कैसे होगा? अब हम तुमको एक सम्स लिख के जरिए बताएंगे, उसके पहले एक बार कॉपी में लिखना स्टार्ट कर। पॉइंट नंबर 1, टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना परसेंट होता है बताओ? 30%। पॉइंट नंबर 2, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। 4%, एडुकेशन सेस 4% ऑन टैक्स, याद रखना हमेशा ये टैक्स पे ला। पॉइंट नंबर 3, हाँ, 50% नहीं, 4% हमेशा। हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, एच एंड ई सेस लिख सकते हो, CEES, एडुकेशन सेस CEES। मेरा राइटिंग इससे अच्छा नहीं हो सकता, बस ये ना छोड़ छोड़ दे कुछ। तो अपना एक फॉर्म अपने को, अच्छा एक और चीज देख लो, फॉर्म इंक्लूड्स LLP, फॉर्म इंक्लूड्स LLP। सर LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिख लेना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।
आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब एक चीज समझना है, जो हम पढ़े हैं पहले उसको समझाते हैं। अभी हम लोग नया पेज ले लेते हैं। हम क्या बताएं कि पब्लिक उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट टू द पार्टनर सैलरी टू द पार्टनर्स में बहुत धांधली बाजी मचाता, इसके कारण सेक्शन नंबर कौन सा बनाया गया? 40B बनाया गया। अब सेक्शन 40B जो है ना दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि दो बात बोलता है वो। दो बात किसका किसके बारे में बताओ? एक इंटरेस्ट के बारे में और दूसरा रेमुनरेशन के बारे में। सर यहाँ पे वर्ड सैलरी यूज नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं? रेमुनरेशन। अभी दोनों में अंतर क्या होता है सर? देखिए यदि हम सैलरी लिख रहे हैं, सैलरी सैलरी का मतलब सैलरी होता है सर। यदि हम रेमुनरेशन लिख रहे हैं तो उसमें कमीशन भी आएगा, बोनस भी आएगा, सब आएगा, क्योंकि धांधली कहीं से भी हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट यदि सिर्फ सैलरी लिखता तो लोग सैलरी ठीक लिखते, बट लिखते दुर्गा पूजा बोनस, साल में 3 बार बोनस, दीपावली बोनस, होली बोनस, और खर्चा जबरदस्ती लिखने के लिए लिख के इनकम को कम कर देता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया बहुत स्मार्टली? रेमुनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 40B बोलता है वो दो बात बोलता है। पहला बोलता है इंटरेस्ट टू पार्टनर, पार्टनर्स को क्या करना? इंटरेस्ट देना। और दूसरा बात क्या बोलता है? रेमुनरेशन टू द पार्टनर। समझ में आया क्या बात? दो बात बोलता है, इंटरेस्ट टू द पार्टनर, दूसरा क्या? अब यहां पे रजिस्ट्रेशन देखना है, बात ध्यान ध्यान देना। गवर्नमेंट क्या क्या बोला? बोला भाई सुन, यदि हम ये इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स के बारे में बात करें तो आपके ऊपर यदि छोड़ दे तो आप 20%, 50%, 60% जो भी लीजिएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया? देखो गवर्नमेंट बोला सुनो, तुम जो एक्चुअल ले रहा है वो मतलब तुम 17% ले रहा है, 17% और 12% विच एवर इज लोअर, बस खत्म। मतलब कि आप 18 ले रहे हो, 12 ले रहे हो, लोअर कौन सा? 12%। आप 9%, 12% ले रहे हो, कौन सा? अरे आपका बात मान लिया, 9%। गवर्नमेंट बोलता है कि 12 से यदि कम करते हो, आप अपने आप को इंटरेस्ट देते हो, सज्जन पुरुष हो, जो बोलोगे वो मानेंगे, बट यदि 12 से ऊपर करते हो तो हम नहीं मानेंगे, 12% ही मानेंगे। सुना रहा बात? कोई डाउट है? अब यहाँ पे कैलकुलेशन आता है, निकल के आता है माइंड में कि सर ये 12%, 9% किसका निकल रहा है माइंड में कि सर ये 12% किसका? तो अपने को अपने सिलेबस में बीकॉम के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो उतना डेप्थ में जाना ही नहीं है, अपने को बस ये जानना है कि 12% 9% निकलता है कैसे है। हम तुमको बताते, देखो हम तुमको बोल रहे हैं कि मान लो एक्चुअल इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स है, मान लो 60,000, कितना है बताओ? 60,000 रुपया। अब बैकेंड में लिख दिए हैं कि हम 18% चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अपने को पता है कि 18% और 12% विच एवर इज लोअर लेंगे, तो सर इसका ये ए है, ये बी है, ये ए वाला पार्ट तो अपने पास 60,000 रुपया है, सर बी वाला पार्ट अपने 12% चाहिए, ये एक निकालेंगे कैसे, बता पाएगा कोई? अब देखो ये ऐसे निकालेंगे सर, 60,000 इज इक्वल टू 18%, तो 100% कितना होगा? डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, हाँ तो 100% आ जाएगा। फिर उसका निकाल देंगे कितना परसेंट? 12%। या फिर इसका शॉर्टकट एकदम सिंपल है, क्या पैसे कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप करोगे, देखो कैलकुलेटर में जाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा, करके देखो कंफर्टेबल हो। हम क्या बोल रहे हैं? इसका 12% निकालो, यदि हम इसको 12% देखो कैसे आया सर, इसको करेंगे तो कट कट हो जाएगा ना, अल्टीमेटली तो वही हुआ। सुना रहे बात? कितना आंसर आ रहा बताओ, कितना आ रहा है? 46, 40, 40, 12% कितना आ रहा है? 40, तो कितना अलाउड होगा बताओ? 40,000 रुपीज अलाउड होगा विच एवर इज लोअर, बोला बस यही है, इसके अलावा इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स में और कुछ भी नहीं। बिल्कुल डाउट है सर, इसका एप्लीकेशन बताइए एग्जाम में। देखो एक सम्स है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है इसमें सर? बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द असेसमेंट 21-22 में बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, टोटल लायबिलिटी। अब तुम सबसे पहले सम्स में देखोगे तो सम्स में नेट प्रॉफिट कितना का दिया हुआ है सर? 20,000 का नेट प्रॉफिट है, 10-10 20,000 का नेट प्रॉफिट है। ये उल्टा फुलता खर्चा लिखा होगा, उल्टा फुलटा खर्चा को पहले हटाएंगे सर। उल्टा फुलटा खर्चा में सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कितना दिया हुआ है सर? 45,000 कितना दिया हुआ बताओ? बाइफरकेशन तोड़ करके लिखने का दरकार ही नहीं है अपने को, वो आपस में लो क्या सेटलमेंट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई मतलब है नहीं,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि भाई ये जो 10 हजार पर लिखा है 20 हजार लिखा है कि ये सही है कि गलत है, बात खत्म। समझ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स 20 हजार पे लगाना है। हाँ क्लियर है पक्का? तो बताओ मेरे को, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया आप दे रहे हो कितना इंटरेस्ट, 45,000 रुपीज अपने आप को, विच इज इक्वल टू 15%। अपने को बी नंबर पॉइंट करना पड़ेगा 12%। वही करेंगे कैलकुलेशन, 45,000 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12, करो बताओ कितना आ रहा है, 36,000 ये आ रहा है। तो लोअर कौन सा है? 36,000 को अपने अलाउड कर देंगे, कोई डाउट है बताओ? इसमें आ जाए देख लेते, एक ऑप्शन देख लेते। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना परसेंट है सर? 16 16 32, तो 32,000 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 12, बस हो गया। बस ये बता दो मेरे को, 30 20 50 10 60, 60,000 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12, और इसको भी कर दें तो फिर इसको गुस्सा आ जाएगा, 15,000 रुपये डिवाइड बाई 20% × 12। बस सम्स का ये पूरे चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो गया, बस ये पार्ट बताएंगे चैप्टर खत्म, उसके बाद खाली सम्स कराना। 15 15 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स। अपने को ऑलरेडी हम तुमको बता देते हैं, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस एनी अदर वॉलंटरी पेमेंट। ठीक है, ये इसका क्या हिसाब है? इसके लिए अपने को इसका भी दो पार्ट किया गया है, दो पार्ट किया गया है। देखो एक बार बताओ, एक पार्टनरशिप फॉर्म जिसका प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमा रहा है, और एक ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मतलब लॉस कमा रहा है, क्या दोनों में सैलरी देना अलाउड है? मतलब कहने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है, मान लो तीन पार्टनर, हम तुम और तुम, तीन जन मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, हम डेली सेटर खोलते हैं, कस्टमर्स का गाली सुनते हैं, डेली सामान बेच रहे हैं, बेचने के बाद अल्टीमेटली साल के एंड में जब कैलकुलेशन किया गया तो नजर आया कि लॉस हो गया। तो सर लॉस तो तीनों जन में बटेगा, तुम लोग तो कभी आया ही नहीं था और लॉस हो गया, तो लॉस तो तीनों जन में बटेगा, चलो कोई बात नहीं, किसी को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। बट एक बात बताओ, 1 साल तक हम यहाँ पे खटे थे, हम 1 साल तक जो खटने का जो है, यदि उसका भी बेनिफिट्स नहीं ले तो सोचो कितना कितना खराब हो, कितना खराब लगेगा, लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर सैलरी तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों में मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि सर आप इंटरेस्ट छोड़ दो, पॉसिबल है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ देंगे, छोटा अभी तो लॉस में खा रहे, छोटा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बट सर सैलरी तो देनी ही चाहिए। हाँ बनता है लॉजिकली सही। तो सर यहाँ पे भी इनकम टैक्स में भी क्या कर दिया गया, सैलरी टू द पार्टनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, और बोला गया भाई तुम सबसे पहले चेक करो कि तुमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सबसे पहला कैटेगरी है लॉस, यदि है तो क्या होगा सर, और दूसरा कैटेगरी है यदि प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मतलब जब रेमुनरेशन का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यदि लॉस होगा तो गवर्नमेंट बोलता है सिंपल एक काम करना भाई, एटलीस्ट कम से कम 1.5 लाख तो दे ही सकता था, कुछ कैलकुलेशन नहीं, लॉस देखते 1.5 लाख रुपए एक दो बात कर, क्या बोले हम तुमको, कुछ कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, लॉस देखते क्या कर दो 1.5 लाख रुपए लिख दो। ठीक है, बट यदि प्रॉफिट है तब यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, आपका जितना भी अमाउंट है प्रॉफिट का उसको दो टुकड़ा में डिवाइड कर दो। फर्स्ट बताओ कितना याद है, फर्स्ट 3 लाख रुपए को अलग कर दो और जो बैलेंस है उसको अलग कर दो। यदि फर्स्ट 3 लाख रुपए है तो उसका 90% कर दो और बाद बाकी के ऊपर 60% कर दो, और दोनों को जोड़ दो। सर एकदम नहीं समझ में आया, देख दिखा। मान लो किसी फॉर्म का लॉस हुआ 90,000 का, तो सैलरी कितना अलाउड होगा? 1.5 लाख, कुछ कैलकुलेशन है 1.5 लाख रुपए लेकिन सुनाया बात। किसी फॉर्म का प्रॉफिट हुआ 2 लाख 90 हजार का, तो क्या बोले हम, 2 लाख 90 का दो दो टुकड़ा करना, पहला 3 लाख को अलग कर देना, फिर बैलेंस को अलग कर देना। सर पहला 3 लाख का अलग क्या करेंगे, पूरा का पूरा तो सर यही है, कर दो ना 2 लाख 90 का 90% कितना आ रहा बता दो मेरे को, दो लाख 61 हजार, 2 लाख 61 हजार। बट एक चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट यहाँ पे 2 लाख 61 लिखा, बट गवर्नमेंट एक एक साथ ही साथ एक और बात लिखा कि एक चीज ध्यान रखना, किसी भी वर्कर को 1.5 लाख से कम नहीं मिल, सॉरी किसी भी पार्टनर्स को 1.5 लाख से कम का सैलरी नहीं मिलना चाहिए।
सर 1.5 लाख से तो कभी हो ही नहीं, 2,61,000 तब तो ठीक है, ठीक है। बट मान लो ऐसा कुछ होता, एक चौवालीस मान लो इसका प्रॉफिट ही है 1.5 लाख रुपया, सर लॉस तो नहीं है? सोच एक बार, लॉस खाएगा तो 1.5 लाख का सैलरी मिल सकता है उसको, और प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का, तो इसका 90% यदि हम जो पढ़ाए अभी उसके हिसाब से कितना आता है, 1,35,000 का, तो लॉस हो गया उस फॉर्म का, पार्टनर्स पार्टनर्स का लॉस हुआ कि नहीं लॉस? तो गवर्नमेंट बोलता नहीं, किसी भी केसेस में किसी भी पार्टनर्स का सैलरी 1.5 लाख से कम नहीं हो सकता। तो सर ये कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्लॉज डाला, गवर्नमेंट क्या क्लॉज डाला, गवर्नमेंट बोला अबे भाई देख, 90% जो करना ना ये, और 1.5 लाख रुपया जो हायर होगा वो लेना। नहीं समझ आया? देखो समझा रहे, देखो एक फॉर्म है जो अपने पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, हाँ कितना सैलरी दे रहा है, 2 लाख रुपया रेमुनरेशन दे रहा है, ठीक है। इस पार्टनरशिप फॉर्म का जब हम लोग प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट निकल के आया 2 लाख रुपया, क्या निकल के आया, 2 लाख रुपया। गवर्नमेंट क्या बोलता है, 2 लाख रुपए को 2 टुकड़े में बांटो, बट 2 टुकड़ा मतलब 3 लाख अलग, बैलेंस अलग, तो 3 लाख का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 2 लाख रुपया ही है सर। 2 लाख का 90% करोगे तो कितना अमाउंट आएगा, 1,80,000 रुपया, ठीक है। क्या अलाउड हो जाएगा सर, 1,80,000 और 1.5 लाख बीच में हायर, कौन सा हायर है? तो 1,80,000 अलाउड कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट मान लो यही फॉर्म का प्रॉफिट होता 1,50,000 रुपया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 90% कर दो इसका, कितना आता है, 1,35,000 होता, क्या 1.5 लाख से कम हो गया? बट फिर भी इसको कितना देंगे हम सैलरी, 1.5 लाख, बस यही बोलना चाह रहे थे, ठीक है। अब बाद में किस सम्स में देखेंगे, एक सम दिखा देते तुमको। अब आते हैं यहाँ पे देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सैलरी टू द पार्टनर दिया हुआ कितना रुपया, अभी डिपेंड करता है कि सर प्रॉफिट हो के लॉस हुआ। अभी प्रॉफिट लॉस जो होता है ना वो यहाँ पे नहीं देखते, देखते हैं बुक प्रॉफिट, क्या किस पे बताओ, यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा गया है ना, प्रॉफिट और लॉस, ये कौन सा किसके ऊपर ये बोला गया है, बुक प्रॉफिट के ऊपर। सर ये क्या होता है अभी हम समझेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों को सीखना है वो क्या है, बुक प्रॉफिट। प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में अंतर होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकाल दो, बुक प्रॉफिट का मतलब होता है टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट निकाल दो। देखो दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स करता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाता है, उससे जो प्रॉफिट निकला वो प्रॉफिट है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस प्रॉफिट को नहीं मानता, क्योंकि हम इनकम टैक्स जानता है कि इसमें धांधलीबाजी हो सकता है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट नहीं मानता, इनकम टैक्स बोलता है कि हम जो प्रॉफिट बोल रहे हैं वो प्रॉफिट है। अब वो जो गवर्नमेंट बोलता है उसे बोलते हैं क्या, बुक प्रॉफिट। अभी बुक प्रॉफिट निकलता है कैसे, बोलता है भाई तुम अपना जो प्रॉफिट लिया था वो ले लो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लो, एड लेस कर लो, एड लेस जो भी एडजस्टमेंट करना है कर लो, करने के बाद जो भी रेमुनरेशन है, जो भी सैलरी है, जो भी इंटरेस्ट है, सबका एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बुक प्रॉफिट। और इसी का कैलकुलेशन किया जाएगा, हम जो लिखे हैं ना इसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर ये जो लिखे हम इसी को प्यार से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो नेट बुक प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ रेमुनरेशन और इंटरेस्ट और एनी अदर एक्सपेंडिचर एंड इनकम, लिख सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट रेमुनरेशन और इंटरेस्ट और किसी भी टाइप का कोई भी खर्चा इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुक प्रॉफिट। समझ में आया क्या इसका मतलब, कि मेन तुमको समझ में आया क्या होगा, जहां पे झमेला है वो है रेमुनरेशन, इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस रेमुनरेशन पढ़ना है और दो चार एडजस्टमेंट और बताएंगे, काम खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलिए भाई कॉपी में उतारते हुए, यहां तक उतारे हो ना तुम लोग, ये उतारे हो कॉपी में, चलो आओ आइए सम्स को खत्म करते हैं। कॉपी में आप लोग फॉर्मेट डाल लीजिए, बार पढ़ाई करो।
देखो सम्स का स्टार्टिंग तो हम हमेशा होगा सम्स का नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट। से। अब बोर्ड पे खाली ध्यान दें, उतारना मत कुछ। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, अकाउंट्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितने का है सर? 20,000 का। दोनों पार्टनर्स का इनके नेट प्रॉफिट को जोड़ दिए, कोई दिक्कत? अब आगे देखो एक बार, अब देखना है बार, इसमें से कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा सर, और कुछ लेस करना पड़ेगा। लेस को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, सबको पता है। सबसे पहले तुम देखना फॉर्म असेसमेंट में डेबिट साइड में ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो आइटम रियल में फेक हो सकता है, बस उसके ऊपर तुमको फोकस करना है सर। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट होता क्या है, तुमको पता है, प्रोविजन इज अ जस्ट लाइक अ एंटिसिपेटेड लॉस, हमको लगता है कितना का लॉस हो जाएगा। तो देखो लगता है तो कुछ भी लगता है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मतलब नॉर्मल इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाए कि तुम अपने हिसाब से जो लगता है लिख देना लॉस, तो हमको लगता है 50,000 रुपये। तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स बोलता है कि भाई लगने के ऊपर अकाउंट्स बनता होगा, बट लगने के ऊपर हम तो नहीं बनते। तो आपको क्या निकालना है पहले, देखो दो चीज तीन चीज पूछा है इसमें। इसमें पूछा है आपको पहले बुक प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट निकालो, और दूसरा बात निकालना है तुमको टोटल इनकम निकालना फॉर्म का, और उसके बाद निकालना है कि टैक्स कितना देगा। ये तीन चीज निकालने के लिए बोला है, ठीक है? तो फॉर्म के हिसाब से प्रॉफिट निकालना, मतलब इस प्रॉफिट में जितना भी धांधलीबाजी होगा सबको हटाओ। धांधलीबाजी में सबसे पहले धांधलीबाजी नजर आया है कि सर प्रोविजन यदि पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी लिखेगा, तो प्रोविजन को पहले हटाओ सर। प्रोविजन को कैसे अच्छा हटाएंगे सोचो एक बार। एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड में है, यदि एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, नेट प्रॉफिट इसको माइनस करके आया था, नेट प्रॉफिट को क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया होगा, इसमें से माइनस करके तो नेट प्रॉफिट आया, इसका मतलब इसमें से खर्चा को माइनस करके ये 20,000 रुपये आया है। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, एड प्रोविजन फॉर बैड डेबिट, जो लिखा होगा वो लिख देना। कितना रुपया था सर? 5,000 रुपया। इसमें कोई इश्यू है? आ गया। अब यहां पे देखो ऑफिस एक्सपेंसेस में नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, तो एक सर ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स पेनल्टी पेड टू द कस्टमर अथॉरिटी 10,000 रुपीज। मतलब ऑफिस खर्चा जो आप ऊपर देख रहे हो, ये जो 35,000 का देख रहे हो ना, इसमें 10,000 रुपये का ऐसा पैसा था जो कि पेनल्टी देना पड़ा था। किसको देना पड़ा था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को। कौन से डिपार्टमेंट को? कस्टमर डिपार्टमेंट को। अब सोचो एक बार, कुछ ऐसा है पेनल्टी, पेनल्टी गवर्नमेंट कब लगाता है? जब तुम गलती किया हो। तो सोचो यदि गलती किया है और उसके ऊपर पेनल्टी लगाया है, वो पेनल्टी को भी यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खर्चा ही मानेगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस बात का पेनल्टी लिया? क्योंकि देखो एक बार, 10,000 रुपये तुम वाहन पर पेनल्टी लगा दी, और 10,000 रुपये तुम अपने पीएल के डेबिट में लिख दिया, तो 10,000 से तुम नेट प्रॉफिट कम कर दिया। किया तो नेट प्रॉफिट कम कर दिया, तो अल्टीमेटली जो मेरे को तुम पैसा दिया है उसका बेनिफिट तुम तो उठा ही लिया है, तो ये बेनिफिट उठना नहीं चाहिए। इसका मतलब इस 10,000 का जो पेनल्टी है वहां से हट जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा पेनल्टी को, ऐड पेनल्टी टू अथॉरिटी। कितना रुपए का था? 10,000। हम प्रेजेंटेशन को उतना ध्यान नहीं दे रहे, तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्या लिखना पड़ेगा? पेनल्टी पे टू द अथॉरिटी। तो मैं बात, क्या हमारा दो एडजस्टमेंट हो गया? अब आगे देखो, अब डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन, यहां पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ 30,000 रुपया, मतलब मेरे हिसाब से अकाउंट्स के हिसाब से 30,000 का डेप्रिसिएशन है, और नीचे गवर्नमेंट बोला अरे भैया मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन कितने का है, तो गवर्नमेंट क्या मानेगा, 24 के भी 30, 24 मानेगा। तो एक तो या तो कर दो 30 को ऐड कर दो, 24 माइनस कर दो, 30 को ऐड कर दो, 30 पूरा हट जाएगा और 24 माइनस कर दो, और या तो फिर 6,000 रुपये ऐड कर दो, बात एक ही है, ठीक है? मेरा मानना है एग्जाम में तुम दोनों काम करना, तुम क्या करना है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 30,000 रुपये ऐड कर देना, और लेस कर देना डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, आईटी मतलब इनकम टैक्स, कितना कर, नहीं जरूरत नहीं, 24,000 रुपये क्या कर देना, लेस कर देना, बोलो कोई डाउट है? हाँ, इसका ऑल्टरनेटिवली 6,000 रुपये भी ऐड हो सकता था, ठीक है? क्या हमारा ये तीन एडजस्टमेंट हो गया, बात कर देते हैं। अब आते हैं वही दो चीज जो तुमको दिख रहा है, सैलरी और दूसरा क्या, इंटरेस्ट। अल्टीमेटली तुमको समझ में आ रहा होगा चैप्टर में बस यही दो पॉइंट, ठीक है? अब सैलरी बचा हुआ है और इंटरेस्ट, ऑलरेडी हम लोग एक एडजस्टमेंट कर चुके हैं, बताओ क्या, इंटरेस्ट करके बैठे हुए हैं 36,000 रुपये, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, पहले जो चीज दिया हुआ है डेबिट साइड में पहले उसको हटा दो,
ठीक है, क्योंकि ये सब का सब गवर्नमेंट बोलता है अरे ये सब हटाओ, ये सब खर्चा वर्चा क्या लिखा है, सैलरी हटाए बार क्या लिखा है, इंटरेस्ट इन पार्टनर्स हटा इसको, तो सारा का सारे दोनों का दोनों चीज क्या करेगा गवर्नमेंट पहले हटा देगा, हटा देगा मतलब ऐड कर दो, ऐड करते आ जाओ, ऐड सैलरी टू पार्टनर्स, ऐड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, बताओ ना मेरे को सैलरी कितना था, आओ सैलरी कितना था, देखो सैलरी कितना था, सैलरी है तुम्हारा 90,000, 1,90,000 रुपया, ऐड कर देते हैं बार, और इंटरेस्ट पार्टनर्स कितना था, 45,000 रुपया, बोलो कोई डाउट है सर? अब बोलता है कि आप क्या कीजिए, इंटरेस्ट और टू पार्टनर्स आप क्या कीजिए, लेस कीजिए, कितना परसेंट लेस करना है सर, 12% लेस करना है, आइए 12% निकालते हैं, तुमको निकालने आता है 12% कैसे निकालेंगे हम पता है, 45,000 सीख चुके हम लोग, डिवाइड बाई ये कितना परसेंट था, 15 मल्टीप्लाई बाई 12 बताओ कितना है, 36,000 रुपये लेस कर दो। हाँ याद करो अभी भी हम लोग लिख के आए हैं कि बुक प्रॉफिट इज व्हाट, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रेमुनरेशन इंटरेस्ट और एनी अदर एक्सपेंसेस और इनकम, क्या हम लोग कर चुके हैं क्या, क्या हमारे जो अमाउंट आएगा इसे बुक प्रॉफिट बोल सकते हैं, चलो आप फटाफट से बताओ एडजस्ट करने के लिए, पहले इस ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है, ये 5,000 आ रहा है, विश्वास करना ये 5,000 रुपये है, एक्सपेंडिचर साइड में सॉरी इनकम साइड में देखे तो एक आइटम है बैंक इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, तुमको पता है कि ये कौन सा इनकम है, ये इनकम है आईफोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, भाई फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो तुमको पता चलेगा, अपने कर रहे हैं पीजीबीपी, इसका बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें से इसको हटाना पड़ेगा, इनकम है हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस इनकम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस, रुक जाए एक मिनट, बैंक इंटरेस्ट माइनस होगा बस आ जाएगा बुक प्रॉफिट, बस 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 लिस्ट कर देंगे क्या, बैंक इंटरेस्ट ये कौन सा इनकम था, ये आईफोर्स का था इसलिए यहां से हटा दिए, कितना रुपया था बताओ, 40,000, बताओ आप कितना आ रहा है, 1,80,000 एडजस्ट करने के बाद, ये करने के बाद एडजस्ट करके बताओ ना मेरे को, 1,80,000 तो इसका आया ना, और फिर 1,80,000 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2,00,000 इज द बुक प्रॉफिट, 2,00,000 इज द बुक प्रॉफिट, तुम लोगों को जो डाउट होगा ना वो इसमें डाउट होगा, इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट क्यों ऐड किए, क्यों लेस किए, हम तुमको बताते हैं आईफोर्स कोई भी इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होता यहां से हटाना पड़ता है, हम लोग पीजीपी का बात कर रहे हैं बिजनेस का, बट ये जो बैंक इंटरेस्ट जो बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है वो मेरा, जैसे मेरे कोचिंग सेंटर का देखो जो मेरे को फीस मिल रहा है वो तो मेरा बिजनेस का इनकम है, बट जो मेरा बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरा बिजनेस का इनकम है क्या, तो हम लोगों को जब गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा तो उसके ऊपर अलग मांगेगा, इसके ऊपर अलग मांगेगा, तो अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट हम मान लीजिए हम इंटरेस्ट के साथ इसको जोड़ के बैठे हैं तो हटाना चाहिए हम लोगों को वहां से इंटरेस्ट का अमाउंट को हटाना चाहिए, इसलिए किए, फिर मेरे बात क्या है, 2,00,000 रुपया बुक प्रॉफिट, ठीक है, क्या बुक प्रॉफिट निकालने आ गया, तो हम लोगों का सम्स का 3 पार्ट था, सम्स का एक पार्ट हम लोग बुक प्रॉफिट निकाल दिए, हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं टोटल इनकम, पहले ये ला उतारो पहले, अब आते हैं हम लोग क्या, एक एडजस्टमेंट नहीं किए बोलो क्या, रेमुनरेशन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं सर, रेमुनरेशन का एडजस्टमेंट अपने को देखना पड़ेगा, आ जाओ उसके चार्ट में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, तो बताओ इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस है, प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है सर, 2,00,000 का प्रॉफिट है, तो हम लोगों का 2,00,000 का जो प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करते हैं इसको दो टुकड़ा में बांटते हैं, 3,00,000 अलग बैलेंस अलग, बट यहाँ पे 3,00,000 बात ही नहीं है, तो 2,00,000 को ही एकदम अलग कर दो, तो 2,00,000 का 90% निकालो बताओ कितना, एकदम निकाले लेस रेमुनरेशन टू द पार्टनर ए और बी दो होता है, एक तो होता है सर 1,50,000 रुपया और एक होता है सर 90% ऑफ, यहाँ पे 2,00,000 रुपया है तो 2,00,000 का कर दे सर, एक मिनट अच्छा 90% ऑफ 2,00,000 आ रहा है 1,00,000, 1,80,000 ये आ रहा है, 1,50,000 ये आ रहा है, 1,80,000 विच वेरी हायर, बाहर भेज दे
कितना आ गया? 20,000 रुपये इज द प्रॉफिट। ये पीजीपी का इनकम कितना आ गया? 20,000 रुपये। अच्छा, तुमसे संस्था में से पीजीपी का इनकम पूछा क्या? टोटल इनकम पूछा है? टोटल इनकम पूछा है। मतलब हम बिजनेस से कमाते हैं 20,000 रुपये। हाँ, और यहां से कितना कमाते हैं सर? इंटे से कितना कमाते हैं? 40। तो यदि हम इसको भी जोड़ दें कि आईफो से कितना कमाते हैं? 40,000 रुपया। तो दोनों को जोड़ दे, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल 60,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन नहीं है। यही चीज, यही ग्रॉस टोटल इनकम होगा, यही नेट टोटल इनकम होगा। समझ में आ रहा बात? डिडक्शन नहीं है। अभी डिडक्शन बताएंगे तो लगेगा कि क्या बता रहे सर। फोर्थ सेमेस्टर तुम लोग तो पाप किया ही है, पाप पाप भुगतना है यहाँ पे। डिडक्शन है कहाँ यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे अपने टोटल इनकम निकाल के खत्म कर देते हैं 60,000 रुपया। बट फिर भी होना क्या चाहिए? ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे होता है, फिर लेस करते हैं डिडक्शन को, जो अमाउंट आता है उसको नेट टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम होता है। ये तुम्हारा कितना रुपया आ जाएगा आंसर? 60,000 रुपया। तो हम लोग सम्स का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिए, जिसमें अपने को क्या पूछा था? टोटल इनकम। अब सिर्फ टैक्स निकालना काम खत्म। कॉपी में पहले ये उतारो, नहीं तो फिर तुम लोग लिखे बाद में डिडक्शन लिख के, बस डैश कर देना यहाँ पे, कर देना कितना रुपया? 60,000 इज द नेट टोटल इनकम। तो पार्टिकुलर टैक्स है ना, तो हम लोग टैक्स और एक नेट लाइबिलिटी टोटल। निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो हम लोग किसमें करेंगे, जो बुक। चलिए आइए, अभी देखो सम्स का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं क्या? टैक्स लाइबिलिटी निकालने का। आगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द फॉर्म। अब देखो एक बार, अभी अभी हम लोग पढ़े कि टैक्स लाइबिलिटी लगता कैसे है। अपने को पता है 30% ऑफ इनकम, टोटल इनकम के ऊपर। साठ टोटल इनकम कितना था यहाँ पे? हजार 60,000। 60 का 30% कितना होगा? ढाई 18,000। इससे ऐड करेंगे क्या? सेस। लाख अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना 4%, इसका 4% निकालो। 18,000 का 4%, 18,000 का 4%, 720। 18,720 इज द टोटल टैक्स लाइबिलिटी। बस सम्स खत्म हो गया, 15 मार्क्स का सम्स है। देरी अभी डेली क्लास होगा रहता है। होगा। हाँ चलो, ये हो गया क्या? हमारा ये 2019 का पेपर था, खत्म हो गया। ठीक है, एक सम्स करो खुद से। तो ये सम्स है, जल्दी से करो। तो इसमें लिखना ये हो गया है, इसमें एक काम करो, दो चीज निकालना, एक टोटल इनकम निकालना और दूसरा टैक्स लाइबिलिटी। सर यहाँ पे बुक प्रॉफिट नहीं निकालना, बिना निकाले सम्स नहीं बनेगा। तो बुक प्रॉफिट नहीं भी बोलेगा तो भी निकालना ही पड़ेगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, कर देंगे, चेक कर लो, आ जाओ। चलो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देते, आ जाओ। पहले तो 12,24,000 रुपया तुम्हारा इज द नेट प्रॉफिट। अब उसमें से क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5,000 रुपया ऐड हो गया। फिर सर ऐड हो जाएगा ये दोनों 54,72, दोनों ऐड हो जाएगा। फिर ऐड हो जाएगा सर ये कमीशन, फिर ऐड हो जाएगा सर ये 15। ये सारा का सर ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? जो येल्लो वाला हाईलाइटेड है सबका, सबको जोड़ दो, बताओ कितना आ रहा है? नहीं, डेप्रिसिएशन नीचे कुछ बोला नहीं है ना? हाँ, बट एज पर आईटी रहना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन, इसलिए इसको तो इसका एडजस्टमेंट को हटाया है। रीजन है कि डेप्रिसिएशन हम जो लिखे, गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, तो मान लेंगे ना कि जो दिखे तो गवर्नमेंट मान लिया। तो डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, दोनों बराबर हो जाएगा, जिसमें उसमें कुछ नहीं बोला तो। ठीक है, ये सम्स के नीचे में डेप्रिसिएशन था, बट हटाने के पीछे रीजन यही था, बताना था हमको यही चीज कि सभी ये दोनों चीज। ठीक है, ठीक बताओ कितना आ रहा था ये? अच्छा, उसके बाद इसको माइनस कर देना। नेट प्रॉफिट साथ प्रोविजन ऐड की ऑटोमेटिक, ये सब ऐड होगा, सब ऐड होगा। देखो जो जो मार्क किए ना, प्लस 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 प्लस, ये माइनस। ठीक है, उसका जो अमाउंट आएगा उससे हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे। पंद्रह हजार रुपया डिवाइड बाई 20 × 12, बताओ कितना आ रहा है? 9,000। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस कर दो। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, 9,000 पर माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा बुक प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी निकाल के खत्म कर दो। ठीक है, क्या समझ में आया?
आगे बस खाली आगे का सम से दिखा दे रहे हैं, बस समझेगा। अभी जो हम सम्स कराए थे ना, ये वाला 2019 का जो सम्स था, 2021 में एकदम रिपीट हुआ है ना इसी टाइप का सम्स। 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था, ये वाला क्वेश्चन सर पता कैसे चलेगा फार्म है, फार्म का है और पार्टनर का अरे है। लिखा रहेगा यार, ठीक है। सर ये क्या होता है, सर ये क्या करेंगे एक्चुअली, क्या है ना कि 40B किसी को क्लेम तभी मिलता है जब कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है। वो कंडीशन लिखा हुआ सेक्शन 184 में, बीकॉम कॉन्टेक्स्ट में समझ लो ये कुछ भी लाएंगे, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा कि बताओ कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन तुमको हर जगह पे देखने को मिलेगा, इसको इग्नोर मारना, ठीक है। इग्नोर पीछे इग्नोर के पीछे रीजन यही है कि गवर्नमेंट, ये जो सीयू तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम सम्स बना ये मान के कि ये 184 इसमें सारा का सारा फुलफिल किया है, क्योंकि 40B तभी होगा ही, ठीक है। तो इसको हमेशा इग्नोर मारना। अब देखो ये वाला सम्स खाली वर्बली अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार तुमको पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपये, उसमें से सर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड में तुम देखोगे तो सबसे पहला पार्ट है ये तुम्हारा ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेन, इट शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द पीजीबीपी। तो हम लोग 152,000 रुपीज हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखो नीचे क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बोला जो ऊपर में अदर एक्सपेंसेस देख रहे हो ना, अदर एक्सपेंसेस कहाँ है, यहाँ पे। बोला जो 88 देख रहे हो ना, उसके अंदर में ये तीन काम हुआ है। क्या क्या हुआ सर, 24,000 रुपये पेमेंट किए हो कैश में, और हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े थे पीजीपी में कि हम लोग जब भी किसी का पेमेंट 10,000 से ऊपर का कैश में करते हैं तो डिसअलाउड है। गवर्नमेंट बोलता है कि 10,000 से ऊपर यदि गांधी चमकाओगे तो हम लोग उसको अलाउड नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा 24,000 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब कि सारा का सारा क्या करते हो, 24,000 रुपये को ऐड कर देते, ठीक है। बोला डोनेशन दे रहे हो चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 80C का डिडक्शन मिलता है, ये भी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड, दोनों को 6 + 12 18,000 रुपये को ऐड कर दे। फिर डेप्रिसिएशन, ये तो तुमको पता ही है, ऊपर वाला डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे ऐड, इसको क्या कर देंगे लेस, ये तो पता है, कोई दिक्कत है सर। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिप्रेजेंट द गेन, ये क्या है, ये हम लोग अभी टोटल इनकम पे निकलेंगे। अच्छा अदर इनकम ऑफ द पार्टनर्स कितना है, 88,000 में 68,000, अदर इनकम ऑफ द पार्टनर्स इज 88,000, ये पार्टनर्स का इनकम है 68,800, पार्टनर्स का इनकम है, ये हम लोग सम्स करेंगे तब समझ आएगा, इस में और कुछ दम नहीं है। बाद में तुमको पता है रेमुनरेशन ऐड होगा, पहले तो एक बार ऐड होगा नीचे में, फिर एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे, और उसके फिर ये भी होगा, सॉरी 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 इम्प्लॉय को तो देते नहीं ना, गलत पढ़ रहा, ये तो रेमुनरेशन तो इम्प्लॉय है, उसको एज इट इज छोड़ देना, मतलब किससे है पार्टनर से। तुमको बताया था ना सैलरी स्टाफ को देंगे तब तो गवर्नमेंट बोलता कि ठीक है जेन्युइन है, बट यदि अपने आप को सैलरी दोगे तो धांधलीबाजी हो सकता है, इसलिए इसको ऐड करेंगे, 2,40,000 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ सर ये तो ऐड होगा ही। उसके तुमको पता है 16% है, 12% कैसे निकालते हैं, उसके तुमको पता है बुक प्रॉफिट निकालने के बाद उसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, एक बार सम्स करना, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना। एक एक क्लास लेंगे जिसके अंदर में पूरा का पूरा जो लास्ट पास पेपर्स है ना उसको एक जगह पे कवर करेंगे, मगर उसके पहले तो तुम लोगों को ये बात समझ में आएगा कैसे कैसे करते हैं सम्स, एक बेसिक आइडिया आ गया। कोशिश करना 2018 से लेके 2022 तक का पेपर को सॉल्व कर दो, 15 मार्क्स कवर हो गए, 15 मार्क्स का चैप्टर है, और तुमको देख देख रहा है चैप्टर में दम नहीं है, थोड़ा बहुत जेन्युइनली पता चल गया, तो एक दो तो गलती भी मान लो होता है, कोई बच्चा यदि अटेम्प्ट करता भी है, मान लो एक जगह पे गलती भी कर दिया तो भी उसको पार्शियल मार्क्स 10-12 मार्क्स मिल ही जाएगा, तो पकड़ के चलो कि 10-12 मार्क्स का ये चैप्टर है, तुमको आराम से दे के जाएगा, तो समझिए भाई चैप्टर का कितना अहमियत है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 40B ही था बस, दो टॉपिक पढ़ना था बस काफी, समझ गया क्या, ठीक है। तो क्या करोगे तुम लोग 2018 से लेकर 2022 तक का पेपर सॉल्व करके आना, फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं, बाय।